फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आई विजन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि वाईफाई कैमरे को अपने एनवीआर या डीवीआर से किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। नॉर्मली लोग वाईफाई कैमरे को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं ऐप के थ्रू, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है कि वाईफाई कैमरे को भी आप नॉर्मल कैमरे की तरह, वायर्ड कैमरे की तरह या आईपी कैमरे की तरह अपने डीवीआर में और एनवीआर में भी देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसका प्लेबैक भी कर सकते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप मैं यही चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, मैंने सेटअप करके रखा हो, आपको वाईफाई को वाईफाई से आपके वाईफाई से कनेक्ट करना है और उसी नेटवर्क से लैन केबल के थ्रू डीवीआर या एनवीआर को भी कनेक्ट करना है। वाईफाई कैमरे को वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में मैं जिसकी लिंक आपको दे दूंगा या ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रही होगी उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस डीवीआर को मैंने एनवीआर में कन्वर्ट किया हूँ, डीवीआर को एनवीआर में कैसे कन्वर्ट करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। इस डीवीआर को मैंने सेम नेटवर्क में लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर चुका हूँ। अब आते हैं डीवीआर स्क्रीन की तरफ, डीवीआर स्क्रीन में क्या सेटिंग्स करनी है मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। इसके दो तरीके हैं आईपी कैमरास इस एनवीआर में कनेक्ट करने के, आपको मैं वन बाय वन दोनों तरीके बताता हूँ। इस तरीके से आप आईपी कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। आईपी कैमरास भी कनेक्ट करने का यही तरीका है, इस प्लस पे आप क्लिक कर दीजिए जो प्लस मार्क बता रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा और यहाँ पे जो भी आईपी कैमरा या वाईफाई कैमरा आपके नेटवर्क में कनेक्ट है ऑटोमेटिकली उसका ऊपर आईपी आपको दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको आईपी दिखा रहा है इस कैमरे का 192.168.1.105। बस आपको इसी आईपी पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ये कैमरा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अभी एक ही कैमरा मैं कनेक्ट किया तो एक ही कैमरा बता रहा है, जितने भी आईपी कैमरास आप कनेक्ट करेंगे सबके आईपीज यहाँ पे दिखाएंगे और सबको आप वन बाय वन इसमें ऐड कर सकते हैं। या तो और एक तरीका है, वो तरीका भी आपको बताऊंगा। और यहाँ नीचे आप मैन्युअली भी इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं, प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हैं, ऑनवीफ है अगर और प्रोटोकॉल है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसमें इस डीवीआर में ऑनवीफ और नेट आईपी दो प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। नॉर्मली ऑनवीफ जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल हर कैमरे में सपोर्ट करता है। कैमरे को अगर पासवर्ड दिया है तो यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, अगर नहीं दिया है तो पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएगी, आपका कैमरा कनेक्ट हो चुका है ये वाईफाई कैमरा मेरा। इसमें ये मैन्युअली सेटिंग है, आईपी एड्रेस वगैरह आप डाल के मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये वाईफाई कैमरा देखिए इसमें कनेक्ट हो चुका है। ये देख लीजिए ये वही वाईफाई कैमरा है, मैं इस पर हाथ दिखा रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे मेरा हाथ दिख रहा होगा। और एक दूसरा तरीका है आईपी कैमरास इसमें कनेक्ट करने का, ऐड करने का, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका बताने के लिए मुझे पहले इस कैमरे को डिलीट करना होगा, इसमें से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने कैमरा। अब फिर से मैं इस कैमरे को ऐड करके बताता हूँ दूसरे तरीके से, वो तरीका भी बिल्कुल आसान है और उसमें ऑटोमेटिकली जितने भी कैमरास आपने लैन में जो कनेक्ट कर चुके हैं वो सारे कैमरास ऑटोमेटिकली उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक मेनू में क्विक सेट करके ऑप्शन है, जूम करके मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जो क्विक सेट है इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए वही विंडो वापस ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि सारे आईपीएस कैमरास जो भी इसमें लैन से कनेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लैन में जितने भी आईपी कैमरास आपने कनेक्ट कर चुके हैं वो सारे के सारे आईपी कैमरास ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही कैमरा वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ तो वो एक कैमरा इसमें ऐड हो चुका है आप ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रोसेस जब फिनिश होता है तो नीचे ओके पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है क्विक सेट का। इसको अप्लाई कर दीजिए और एग्ज़िट कर दीजिए। देखिए तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मैं नई नई वीडियोस जो भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इसी तरह की नई नई वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, सिर्फ CCTV पर ही नहीं और भी जो इक्विपमेंट्स है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा आगे जा चल कर। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। अगर कुछ आपको सवाल पूछने हैं तो वो भी पूछ दीजिए, मैं उन सवालों का भी जवाब मैं कमेंट्स में आपको दे दूंगा। थैंक यू।